एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ शीतल लेडा और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। और आप ये वाली टी शर्ट पहन के सोच रहे हैं, अभी तो होली में टाइम है तो मैं अभी से होली के कपड़ों में क्या कर रही हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ होली हैक्स वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको होली का मेकअप लुक दिखाया था, अब उसके साथ साथ हम करने वाले हैं होली के हैक्स। जैसे भी आपको मालूम है अब होली आने वाली है, ज़्यादा दिन बचे नहीं, तो होली खेलने के लिए भी हमें बहुत सारी तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। ऐसे नहीं है कि चले गए उठ के होली खेल लिए, बहुत कुछ करना पड़ता है, होली के लिए रेडी भी होना पड़ता है। आप सोचोगे होली के लिए क्या रेडी होना पड़ेगा, जी हाँ, होली के लिए बहुत ज़रूरी है रेडी होना। नॉर्मली आप कहीं जा रहे हैं तो रेडी होते हैं, लेकिन होली से पहले भी हमें बहुत सारी तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। वो क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है वो मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ, तो देखते रहिए मेरे साथ। होली खेलने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे कपड़ों की। जैसे कि मैंने ये टी शर्ट पहनी है, आजकल मार्केट में ऑनलाइन ऑफलाइन आपको बहुत सारी इस टाइप की कस्टमाइज टी शर्ट्स, कुर्ती, साड़ीज सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये टी शर्ट मैंने जहाँ से लिया उसका लिंक आपको मेरे इंस्टा आईडी में मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने लिए मंगा सकते हैं। वहाँ से सूट, साड़ी, कुर्ती बहुत सारे आप चाहे मार्केट में जाकर देखेंगे वहाँ भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। कुछ भी पहनो, वाइट पहनते हैं तो बहुत सुंदर लगता है, वैसे आप कुछ भी पहन सकते हैं पर वाइट पहनो, क्योंकि ये अगर आप इस टी शर्ट की बात करें तो ये कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, अराउंड 200 to 250 के अराउंड है, तो बहुत ही सस्ती सी है, तो ईजिली पहनकर एक बार पहन के उसे आप छोड़ सकते। टी शर्ट्स आप पहनेंगे तो वो सुंदर भी लगेगी, अट्रैक्टिव लगेगी, क्योंकि आजकल ज़माना है जैसे हम सब लोग फोटोज़ वीडियोज़ बहुत ज़्यादा बनाते हैं तो उन सब के लिए इतना खर्चा करते ही हैं, तो एटलीस्ट 200-250 रुपये तो हम खर्च कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी टी शर्ट कपड़ों की, तो ये आप पहन सकते हैं। बात आती है हमारी एसेसरीज, ज्वेलरीज की, क्या पहनते हैं। नॉर्मली हम कहीं पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो हम ज्वेलरीज पहनते हैं, एसेसरीज पहनते हैं, तो होली पे हमें कोई ज्वेलरी एसेसरीज नहीं पहनी। जैसे मैंने छोटे छोटा ऐसा कुछ पहना हुआ इस टाइप का है तो आप पहन सकते हैं, बाकी जो टॉप्स टाइप वाला होता है उनका निकलने का खुलने का डर है, अगर ये भी आप चाहें तो नहीं पहने। अपना गोल्ड, डायमंड इस टाइप का तो कुछ भी ना पहने, कोशिश करें बहुत ही सस्ता सा कुछ आर्टिफिशियल पहन लें, बाली टाइप में या कुछ भी, निकले ना, गुम ना हो, होली खेलते टाइम आपको लगे ना एक दूसरे को, आपको ना लगे या आपके साथ जो होली खेल रहे हैं उनको ना लगे। तो कोशिश करें कि ऐसा कुछ जो भी पहने आप आर्टिफिशियल पहने, गोल्ड डायमंड को तो बिल्कुल इग्नोर कर दें। जैसे भी जैसे रिंग्स वगैरह हैं ये सब जैसे मैंने पहनी हुई है, अपनी सारी रिंग्स निकाल दें। बैंगल्स, ये तो खैर प्लास्टिक है इससे किसी को कोई हार्म इतना होगा नहीं। कांच की चूड़ियाँ बिल्कुल ना पहने, और कुछ भी हैवी जैसे फैंसी जो कड़े वगैरह होते हैं वो ना पहने, वो आपको भी लग सकते हैं, जो आपको रंग लगा रहे हैं उनको भी लग सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ना पहने होली पर, बिल्कुल सिंपल चीज़ें पहने बिल्कुल। और जैसे ये गले में मैंने पहना हुआ मंगलसूत्र, अगर इस टाइप का कुछ आपने पहना है तो उसे कुछ टाइम के लिए उसे निकाल दें, तो ऐसे या फिर आर्टिफिशियल कुछ पहन लें, लग सकता है आपको, टूट सकता है, गिर सकता है भीड़ भाड़ वाली जगह पर, आपको पता नहीं चलेगा, दिखेगा नहीं, तो इन चीज़ों को निकाल कर पहले से ही रख दें। और अब सबसे पहले बात करते हैं अपनी स्किन की। सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से हमें क्लीन कर लेना है, तो सबसे पहले हम लेंगे एलोवेरा। हमारे घर पे, सबके घरों पे एलोवेरा मिल जाएगा, इसको फेस पे अच्छे से लगा लेंगे। क्रीम लगाया, उसकी फेस पे अच्छे से मसाज कर लेंगे। तो एलोवेरा लगाने का फ़ायदा ये है कि जो भी हमारे फेस पर केमिकल लगेगा या जो भी रंग कुछ भी हम होली का जो भी प्रोडक्ट हमारे फेस पर लगेंगे वो हमारे फेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि एलोवेरा से ऑलरेडी हमने अपने फेस को प्रोटेक्ट कर लिया है। और एलोवेरा आप सबको मालूम ही है कि बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए, फेस के लिए, तो वैसे भी हम बहुत सारी चीज़ों में एलोवेरा यूज़ करते हैं, खाने में, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो वो हमने अपने फेस पर सबसे पहले लगा लेना है। फेस पर ही नहीं, आप अपने पूरे हाथों पर ऐसे लगा सकते हैं इसे, जहाँ जहाँ जो जो का बॉडी का पार्ट हमारा हमें लगता है, जैसे हाथ और अपने पैर, गर्दन पर, सारे में अच्छे से एलोवेरा को लगा लेंगे। इससे जहाँ भी केमिकल या रंग जाएगा उस पार्ट पर हमारे पे कोई इचिंग नहीं होगा।
उसके बाद हम लगाएंगे अपना फेवरेट, कोई भी जो भी आप यूज करते हैं मॉइस्चराइजर। तो मेरा ये वाला है फेवरेट, ये मैं लगाने वाली हूँ। तो थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लेकर ये फेस पर लगा लिया। अगर इसके बाद वाला जो भी मेकअप का पार्ट है, कुछ भी आपको करना है, वो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो करें ना करें, बट अगर फिर भी आप लोग करना चाहते हैं बेस, अगर आप कुछ भी रखेंगे तो उससे सिर्फ होगा ये कि आपकी स्किन ही प्रोटेक्टेड रहेगी। तो थोड़ा सा जो भी कुछ भी बेस आपको जो भी आप लगाते हैं नॉर्मली, वो आप लगा सकते हैं फेस पर। और ये वाला जो बेस है, इस वाले पार्ट को स्किप करके इसकी जगह पर आप लगा सकते हैं सनस्क्रीन भी, जो आप दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगे वो आप अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। हमारा रेडी है और इसके बाद बात करते हैं लिपस्टिक की। कोई भी मेकअप हम कुछ भी करते हैं उसका फ़ायदा कुछ होना नहीं है, क्योंकि होली पर सब एक जैसा जाना है, बट फिर भी अगर आप लिपस्टिक लगाना चाहते हैं तो कोई भी न्यूड शेड आप लगा, आप चाहें तो कोई भी लिपस्टिक लगा सकते हैं या कोई भी लिप बाम लगा सकते हैं। इससे हमारे होंठ जो है वो मॉइस्चराइज रहेंगे, उनमें कोई भी कलर केमिकल नहीं जाएगा, शेड रहेगा तो वो दिखेगा। तो कलर्स होली के जो भी लिपस्टिक आप लगाएंगे वो न्यूड शेड में लगाएं तो अच्छा। अब बात करते हैं बालों की। बाल जैसे हम आपने देखा होगा फोटो वीडियोस में, तो हम लोग बाल ओपन करके होली खेल रहे हैं कुछ, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता। बालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बालों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है होली पे। तो उसके लिए अगर आप होली खेलने जा रहे हैं तो सबसे पहले बालों पे लगाइए कोई भी अच्छा सा हेयर ऑयल। मेरे लिए जो ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, ये है सरसों का तेल। घर पर जो भी आप कोई भी लगा सकते हैं, नारियल तेल, बादाम का तेल, जो भी आपको ठीक लगे वो। मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ नारियल का तेल। उसे अच्छे से अपने हेयर्स में, ऐसे स्कैल्प्स में लगाएं, अच्छे से पहले मसाज करें उसकी। और अच्छे से बालों पे ऑयल लगाने के बाद बालों को इस तरह से बांध लें। तो जैसे आप देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे पार्टीशंस में बीड अपने जो चोटी का हेयर स्टाइल बना देते हैं, वो वाला बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि उससे क्या होता है कि जितना भी जो कलर होगा वो सारा आपके स्कैल्प में अंदर चला जाएगा। और ये इस टाइप से रखेंगे तो आपके स्कैल्प में कोई कलर कुछ नहीं जाएगा। इस तरह का हेयर स्टाइल बनाएं। आप चाहें तो बालों को बन भी बना सकते हैं, ओपन तो बिल्कुल भी ना करें, इस तरह से भी रख सकते हैं। करते हैं नेल पेंट की, नेल्स की। अभी आपने देखा कि मैंने, अब मेरे एक्सटेंशन नहीं है, इससे पहले मेरे एक्सटेंशन थे, वो मैंने इसलिए निकाले हैं क्योंकि अब होली आने वाली है, तो होली पर एक्सटेंशन जैसे उनको लगने का डर रहता है, एक्सटेंशन लग सकते हैं, चोट लग सकती है हमें भी, सामने वाले को, मेन तो हमें लग सकती है। एक्सटेंशन तो आर्टिफिशियल होते हैं, तो वो अगर कहीं भी ऐसे लग गए तो हमें चोट लगने का डर है। तो एक्सटेंशन अगर किसी के हैं तो वो अपने एक्सटेंशन निकाल दें होली से पहले। अगर आपके बड़े नेल्स हैं तो भी उन्हें कट कर लें, कोशिश करें कि छोटे हों, आपको ना लगें, किसी और को ना लगें। और अगर उन्हें ऐसे खाली ना छोड़ें, उसके लिए आप लगाएं उन पे कोई डार्क कलर की नेल पेंट, जैसे इस तरह का कोई भी डार्क कलर लें। पहले बेस कोट लगाएं, उसके ऊपर ये लगाएं, तो आपके जो नेल्स हैं, जो नेचुरल कलर है नेल्स का, वो ख़राब नहीं होगा, कलर नहीं जाएगा उसमें। अगर जिनके बड़े नेल्स हैं, छोटे नेल्स हैं तो यहाँ लगाएं, अगर बड़े नेल्स हैं तो अंदर की साइड भी नेल पेंट लगाएं, ताकि आपके नेल्स का जो नेचुरल कलर है वो ख़राब ना हो। और अब बात करते हैं पैरों की, कि हमें पैरों में क्या पहनने हैं। हमें इस टाइप की चप्पल, स्लीपर्स, ओपन जो होते हैं वो बिल्कुल ना पहने। हमें पहनने होंगे शूज़ जिससे हमारे पैर कवर रहें, इससे हमें गिरने का भी डर नहीं रहेगा, पैर भी गंदे नहीं होंगे, तो शूज़ ही कंफर्टेबल रहेंगे। अपने आप को तो हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया, सेफ कर लिया। अब बारी आती है हमारे फ़ोन की, जो हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और होली में हम इसे छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेनी है। तो इसके लिए हम लेंगे फूड रैप वाली जो प्लास्टिक होती है वो लेंगे, और इस तरह से अपने फ़ोन को इस पर कवर कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारे फ़ोन में कलर, केमिकल, पानी नहीं जाएगा, और हमारा फ़ोन जो है बिल्कुल सेफ़ रहेगा। आप देख सकते हैं हम सबके घरों में ईज़िली ये वाली फ़ूड पॉलीथीन जो है ये मिल जाती है, अगर नहीं भी मिलती है तो आप मार्केट से ला सकते हैं।
हैं, इसके बाद अपने फ़ोन को ईज़िली चला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हमारा फ़ोन ईज़िली बिल्कुल चल जाएगा। आप देख सकते हैं इससे फ़ोन बिल्कुल कवर होगा, पानी भी नहीं जाएगा फ़ोन में, कुछ भी केमिकल कलर कुछ नहीं जाएगा। इस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फूड वाली जो पॉलीथीन आती है, फूड रैप हम करते हैं मोस्टली, हम सबकी किचन में वो मिल जाती है। तो ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इस वाले पार्ट को तो आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर फ़ोन ख़राब हो गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट जो है सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे हैक्स का, तो इस वाले इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और कोई भी पार्ट है आप उसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो पार्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसका खास ध्यान रखें। और इससे कोई ये नहीं होगा कि आप फ़ोन इजीली अपना चला सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर फ़ोन को रैप किया हुआ, लेकिन इजीली हमारा फ़ोन जो है चल रहा है। तो होली खेलने के बाद हम सब लोग को लगती है भूख, होली में बनते हैं बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें कुछ करना होगा। अगर डायरेक्ट हम जाकर ऐसे ही खा लेंगे तो वो जो कलर हमारे हाथों में लगा होता है वो हमारे फूड में लग के हमारे पेट में जा सकता है। इसके लिए हमें करना है कि हमें जो भी आइटम है खाने के उसमें इस तरह से हमें टूथपिक लगा देनी है, ताकि सिंगल सिंगल पीस अलग अलग दिखे और हम उसे ईज़िली खा सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले जब होली खेलने के बाद हम लेंगे वेट टिश्यूज़ लेने हैं हमें, उनसे अपने हाथों को अच्छे से क्लीन कर लेना है। और उसके बाद जो भी केमिकल रंग जो भी वो होगा वो क्लीन हो जाएगा हमारे हाथ पे से। इसके बाद अपने हाथों को अच्छे से क्लीन करने के बाद जो भी आपको खाना है पीना है वो आप खा सकते हैं। आप सिंगल सिंगल पीस पर टूथपिक लगा के रखेंगे तो आपको उठाने में भी इजी रहेगा, खाने में भी इजी रहेगा। जो हमारे हाथों पर रंग होगा केमिकल होगा वो हमारे खाने में नहीं जाएगा और हम अपने खाने को अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। यहाँ पर अब बारी आती है होली खेलने के बाद अपने फेस को क्लीन करने के लिए। उसके लिए सबसे पहले हम अपने वेट टिश्यू से अपने फेस पे जो भी रंग केमिकल जो भी होता है जितना हो सकता है हम पहले उसे वेट टिश्यू से उसे साफ करेंगे। तो उसके बाद कोई भी ऑयल कुछ भी लेकर अपने फेस पे अच्छे से लगा लेंगे, ताकि स्किन सॉफ्ट हो जाएगी। जो केमिकल कलर हमारे फेस पर लगा हुआ है वो हमारी स्किन में ईजिली निकल जाएगा। उससे बहुत कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जैसे आप बहुत से लोग नींबू लगाते हैं सोडा लगाते हैं, उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली ऑयल लगाएंगे और उसके बाद उसे सूखे हुए टिश्यू से साफ़ करेंगे और उसके बाद उसको अपने फेस वॉश कोई भी अपना फेस वॉश यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो कलर है वो निकल जाएगा। अगर नहीं भी निकलता है कलर तो अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा रगड़ने की या स्किन को बहुत ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। एक या दो दिन के अंदर यही रूटीन करें, ऑयल लगाएं और फिर फेस वॉश लगाएं, उसके बाद साफ़ करें, तो एक दो दिन में इजीली कलर निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा ये ना करें कि आज ही पूरा कलर निकालना है, स्किन से धीरे धीरे एक दो दिन में कलर निकल जाएगा। फेस वॉश करने के बाद कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाएं और अपनी स्किन को ऐसे ही छोड़ दें, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये था सारा होली का हैक्स। तो ये तो थे होली के हैक्स जो मैंने आपके साथ शेयर करे, अपनी होली को सेफ और सुंदर और अच्छा बनाने के लिए आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं होली के लिए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हैक्स? उम्मीद करती हूँ आपके काम आए, अच्छे हों, आपको आपकी कुछ हेल्प हो सके उनसे। तो ये मैंने आपके साथ होली का मेकअप लुक शेयर किया है, होली पूजन का, और ये मैंने आपके साथ होली खेलने के लिए जो हैक्स हैं वो शेयर किए हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी आपके साथ एक नई वीडियो लेके आऊं, जिसमें होली पार्टी, नॉर्मली होली पार्टीज़ होती रहती हैं फ्रेंड्स वगैरह में गेट टुगेदर, वो वाला लुक मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। तो जल्दी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में वो वाला लुक लेके आऊंगी। तब तक के लिए देखते रहिए मुझे और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जो जानने वाले लोग हैं जितने लोग हैं सबकी कुछ हेल्प हो पाए इन चीज़ों से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।